इटर्नल हेल्थ में मैं शिल्पा एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। तो फोन उठाइए और नंबर घुमाइए 0129-4088-152। तो डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। और आपने बताया कि दिनचर्या का तात्पर्य क्या है जी, तो आपसे पूछना चाहूंगी कि स्वास्थ्य के साथ इसका क्या संबंध है। देखिए, दिनचर्या मैंने बताया कि जिस जो हमारे ऑर्गन्स हैं अंदर के, वो अपने रिदम में रहने चाहिए। हर ऑर्गन का एक रिदम है, हार्ट बीटिंग है, लंग्स का जो अपना रिदम है, इंटेस्टाइंस का अपना रिदम है, हर चीज़ एक रिदम में काम करती है। अगर देखो तो एक तरह से क्या है, व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ इज़ जस्ट मेंटेनिंग दिस रिदम। अगर आपका हार्ट एक मिनट में 72 बार वो धड़कता है, 72 times वो बीट करता है, तो वो उसकी हेल्दी स्टेट है। जब कभी हम बीमार होते हैं, मान लो बुखार हो जाए, तो बुखार में आप देखेंगे कि हार्ट बीट आपकी 90, 100 से भी ऊपर तक चली जाती जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आउट ऑफ रिदम हो गया वो। तो दिनचर्या का जो है स्वास्थ्य के साथ संबंध यही है कि जो हम दिनचर्या का पालन करते हैं, जो हमारे डेली रूटीन्स जो हमारे आयुर्वेद में मेंशनड हैं जी, उनका अगर हम फॉलो करते हैं रेगुलरली, तो हमारे सारे ऑर्गन्स अपने रिदम में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमें स्वस्थ रखने में सहायता करती है दिनचर्या जी। तो हम देखते हैं कि आजकल लोग दिनचर्या के विपरीत सब काम करते हैं जी, तो इसकी वजह से आरोग्य शक्ति पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले तो अगर हमारा रिदम ही टूट गया, तो अरिदमिया, जैसे अरिदमिया एक हार्ट की बीमारी होती है जी, अगर आपको अस्थमा होता है, तो अस्थमा क्या है कि इंस्टेड ऑफ ब्रीदिंग 18 times per minute, 18 बार लंग्स को वो कॉन्ट्रैक्ट और वो करना चाहिए जी, तो अभी जल्दी जल्दी कर रहा है। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि जो बाउल की मूवमेंट्स हैं, जो उसका रिदम है, वो बिगड़ जाता है, तो आपको कब्ज हो जाती है जी। इसी प्रकार से हर ऑर्गन, हर छोटी से छोटी जो हमारी सेल है, उसके अंदर भी एक अपना म्यूजिक चल रहा है, एक रिदम चल रहा है। और ये रिदम जो है, जब ये रिदम अगर मेंटेन नहीं रहेगा, तो उसको कहते हैं डिजीज़। और जो चिकित्सा जो हम करते हैं आयुर्वेद में, चिकित्सा इज जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग देम बैक। और इस रिदम को बैक लाने के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया, जिसको हम कहते हैं जीवानंद प्रोग्राम जी। तो ये क्या है प्रोग्राम? ये प्रोग्राम बिल्कुल सुबह से शाम तक जो है, जब से आप सोकर उठते हो और जब तक आप फिर बेड पर जाते हो, वो सारी क्रियाएं जो आपको करनी चाहिए, इसमें कुछ ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। कि उठ कर के सबसे पहले आपको जो है आँखें धोनी है, जीभ साफ करनी है, थोड़ा पानी पीना है, शौच के लिए जाना है, शरीर की शुद्धि। शरीर की शुद्धि रहेगी तो आपके सारे ऑर्गन जो अपने रिदम में कार्य करेंगे, उनमें टॉक्सिन्स अगर नहीं रहेंगे, कब काम बिगड़ता है, मान लो लंग्स के अंदर हमारे आम जाके जम जाए, तो अस्थमा हो जाता है। अगर आपके हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाए, वो भी आम ही है, तो उसकी जो है गति बिगड़ जाएगी। इसी प्रकार से आपके किडनी के अंदर कुछ ब्लॉकेज आ जाए, तो उसकी गति बिगड़ जाएगी। तो ये पूरा जो है क्लीनिंग का प्रोग्राम है कि जीवानंद जो है, कि सुबह से शाम तक आपको ऐसे क्या क्या कार्य करने चाहिए जी, जिससे कि आपकी बॉडी का पूरा रिदम रहे। इंद्रियों को धोना, बॉडी को डिटॉक्स करना, मन को जो है स्वस्थ रखना, आत्मा को जो है नरिश करना, आत्मा को चार्ज करना। नहीं तो देखने में क्या आता है कि आज के युग में अगर देखें कि लोग अपना ही एक वो बनाए हुए हैं, दिनचर्या के विपरीत अपनी दिनचर्या बनाई हुई है जी जी, और उसके विपरीत कार्य करते हैं। उसके विपरीत कार्य करने का फल यही होता है कि आपको अनेकों प्रकार के रोग होते हैं, बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स। आज अगर आप देख रहे हैं कि सुबह उठते ही छींकें आती हैं लोगों को जी जी, किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी का जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, किसी को रात को नींद नहीं आती है, किसी को मेंटल टेंशन हो रही है। तो ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम जो है दिनचर्या के विपरीत कार्य कर रहे हैं। जब हमें जागना चाहिए तब हम सो रहे होते हैं, जब हमें सोना चाहिए तब हम जो है डिनर कर रहे होते हैं, जब हमें जो है रात्रि का जो 2-3 पहर निकल जाते हैं रात को 2 बजे, तब लोग ईमेल चेक कर रहे होते हैं, तब सुबह उठ करके जब एक्सरसाइज करनी चाहिए उस समय पता नहीं कौन सी दुनिया में होते हैं। तो हमने पूरा जो दिनचर्या का एक जो हमारे शास्त्र में आयुर्वेद में जो नियम लिखा है, उसके टोटली विपरीत हम चल रहे हैं। तो जब हम विपरीत चलते हैं तो अनेकों प्रकार की बीमारियां इस रूप में जी, आज देखिए कोलेस्ट्रॉल कितनी बड़ी बीमारी है, हर व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल मिलेगा आपको, ब्लड प्रेशर कितना कॉमन होता जा रहा है, डायबिटीज जो है एक बिल्कुल महामारी की तरह से फैलती जा रही है भारत के अंदर जी, अभी प्रेडिक्ट किया गया है
कि इंडिया इज गोइंग टू बी द डायबिटिक कैपिटल ऑफ दिस वर्ल्ड, डायबिटीज़ की, शुगर की राजधानी होगी ये। इतना भयंकर जो है यहाँ पर डायबिटीज जिस कदर से फैल रहा है, तो जो हमारा कहने का अर्थ ये है संक्षेप में कि जो भी हमारा बॉडी का रिदम है उसको मेंटेन करके रखना है, और मेंटेन करने के लिए सिंपल सी चीज़ है कि उनको स्वच्छ रखना है, साफ़ रखना है। देखिए, हम अपनी कार साफ़ करते हैं रोज़, कपड़े साफ़ करते हैं, और हर चीज़ को, कंप्यूटर को साफ़ करते हैं, लेकिन अंदर गंदा रखते हैं। बड़ी अजीब सी बात है जी, बिल्कुल। अंदर इतना सारा गंदगी इकट्ठी करके रखते हैं और बाहर से बिल्कुल जो है हर चीज़ को साफ़ रखना चाहते हैं। तो ये जो है संक्षेप में यही कहना है कि रिदम को बना के रखना है। जी बिल्कुल, इसी के साथ हमारे अगले लाइन। हेलो, नमस्कार जी, अपना नाम बताएंगे प्लीज। मेरा नाम सर निसार खाजर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? महाराष्ट्र नांदेड से। और आपकी समस्या बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपकी? देखिए, दमा जो है अपने आप में काफ़ी क्रोनिक और काफ़ी जो है गंभीर स्थिति होती है, तो इसके लिए अगर इलाज कराना है इसका, तो मैं आपको एक इसका पूरा तरीका बताता हूँ। हमारे आयुर्वेद में जो है, जब अस्थमा होता है, दमा होता है, तो दो दोषों का प्रकोप होता है, वात और कफ का। वात क्या होता है कि वात जो फेफड़े के अंदर जाएगी जब, तो वहाँ जो अंदर बलगम होता है, जो कफ जो होता है, जो कि एक नेचुरल कफ जो होता है, जो हमारे फेफड़े को लुब्रिकेट करता है, उसको जो वायु वो सुखा देती है, तो अंदर जब बलगम सूख जाता है तो लंग्स आपके ड्राई हो जाते हैं और पूरा लंग वो एक्सपेंड नहीं होता है, पूरा उसमें जो है सांस लेने के लिए पूरा वो फैलता नहीं है। तो उसकी वजह से देखा होगा कि जब दमा होता है किसी को, तो कई बार बहुत सूखी खांसी आती है। कोशिश वो कर रहा है, फेफड़ा कोशिश करता है कि अंदर से कुछ हम जो है बलगम निकाल दें। तो इसमें दो तरह की चीज़ें हमको करनी होती हैं कि पहले वहाँ की वायु को जो है शांत करें और फिर जो है फेफड़े की शक्ति हम बढ़ाएं। तो एक तो आप बोलिए अपने पिताजी को कि वो थोड़ा सा तेल की मालिश करें। तिल के तेल की मालिश से क्या होगा कि स्नेहन होगा, और स्नेह जो है वो वायु को शांत करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। हम बार बार बताते हैं तिल के तेल की मालिश, तो लंग्स के जो आगे और कमर के पीछे जहाँ पर हमारे फेफड़े होते हैं, छाती के एरिया में, इसमें रोज़ उनको मालिश करें। साथ में जो है एक छोटा सा नुस्खा आप बना करके वो सेवन कराना शुरू कर दीजिए उनको। तीन चीज़ें आपको लेनी है, सौंठ, काली मिर्च और पिपली। सौंठ, काली मिर्च, पिपली बराबर मात्रा में लेकर के, इसको आयुर्वेद में हम त्रिकटु के नाम से भी जो है बोलते हैं। त्रिकटु चूर्ण आपको जनरली मिल भी जाता है, अगर आप कहीं मेडिकल स्टोर पर पूछेंगे या आयुर्वेदिक दवाई की दुकान पर पूछेंगे, तो वो आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को हल्के से गुनगुने पानी के साथ उनको सेवन कराना शुरू कर दीजिए। लेकिन इसमें मुख्य रूप से फिर भी जो है फेफड़े की ताकत बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, उसके लिए उनको बोलिए कि च्यवनप्राश रोज़ खाना शुरू करें। दो महीने आप ये प्रयोग करिए। तीन चीज़ें मैंने बताई आपको, एक तो तेल की मालिश करनी है, दूसरा उसमें जो है त्रिकटु चूर्ण का सेवन गर्म पानी से करना है, और च्यवनप्राश का सेवन जो है सुबह शाम दोनों टाइम उनको करना है। लेकिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन सबसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वायुवर्धक चीज़ें और कफवर्धक चीज़ें वो नहीं खाएंगे, जिसमें कि जो बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, तली हुई चीज़ें, मिठाई, बहुत ज़्यादा जो है दूध के जो हैवी चीज़ें होती हैं बनी हुई दूध से, और वायु वाली चीज़ें कौन सी होती हैं, जैसे कि बहुत रूखी सूखी चीज़ें, बहुत ज़्यादा जो है ठंडी चीज़ें, जो बहुत चिल्ड चीज़ें जो होती हैं, तो इनका सेवन नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि उनको कम से कम जो है एक महीने के अंदर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगा। बलगम जो है अंदर जो फंसा हुआ, जो सूख गया है, उसको सॉफ्ट करके बाहर निकालना ही पड़ेगा। अगर ये प्रोसीजर आपको जो है इस तरह से करेंगे तो बलगम निकलेगा, लंग्स एक्सपेंड होने शुरू होंगे और उनमें शक्ति भी आएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छी बात जी। हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। तो डॉक्टर साहब, आपने इन्हें बहुत अच्छी बात बताई, और इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का जी। तो दर्शकों, आप नोट कर लीजिए, हमारा टेलीफोन नंबर है 01294088152। अगर आप भी चाहते हैं आपकी किसी समस्या का आयुर्वेदिक उपचार, हमें कॉल कीजिए। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।